ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। में कुलदीप दिवाकर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो अयस्क के अयस्क को अयस्क से हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, ये इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि कौन कौन सी विधि हम उपयोग में लाते हैं। ये डिपेंड करता है कि धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है या मध्यम अभिक्रियाशील है या कम अभिक्रियाशील है। जो धातुएं ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं वो प्रकृति में बहुत ही जटिल पदार्थ बना के रखती हैं और उनको हम कार्बन के द्वारा अपघटित नहीं कर सकते, मतलब उनको हम उनके सीधे ऑक्साइड में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो हम उनको विद्युत अपघटन विधि से शुद्ध करते हैं। इसी प्रकार से मध्यम धातु, मध्यम सक्रिय जो धातुएं होती हैं उनके वो कार्बोनेट और सल्फाइड के रूप में पाई जाती है, तो उनको हम भर्जन और निस्तापन विधि के द्वारा शुद्ध करते हैं। इसी प्रकार से एक निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जो होती हैं उनके सल्फाइड वो प्रकृति में ज़्यादातर मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जो उनके सल्फाइड अयस्क होते हैं उनका हम भर्जन कर लेते हैं और धातुएं प्राप्त करते हैं। तो ये जो एक सारणी, ये एक डायग्राम दिया हुआ फ्लो चार्ट, इसमें दिया गया है कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अयस्क का सांद्रण करते हैं, मतलब उसको साफ सफाई करते हैं उसके फिल्टर पेपर के द्वारा। उसके बाद अगर धातु उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं उसके अंदर, तो उसका हम गलित अवस्था में विद्युत अपघटन करते हैं और शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। अगर मध्यम अभिक्रियाशील धातु है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु है, तो अगर उसका कार्बोनेट अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क है, तो उसका हम निस्तापन करते हैं, और अगर सल्फाइड अयस्क है तो उसका हम भर्जन करते हैं, फिर भर्जन करके धातु का जो ऑक्साइड प्राप्त होता है उसको हम अपचयित करते हैं और धातु का शोधन करते हैं। इसी प्रकार से अगर निम्न अभिक्रियाशील धातु है तो उसको सल्फाइड अयस्क में परिवर्तित किया जाता है। सल्फाइड अयस्क में ये मिलती हैं और सल्फाइड अयस्क का जब भर्जन किया जाता है तो हमें धातु प्राप्त होती है। इनके डिटेल में अब हम स्टडी करते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि हम धातुओं को उनके ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं और ऑक्साइड को जब अपचयन किया जाता है तो आसानी से हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अयस्कों का समृद्धिकरण देखेंगे, किस प्रकार से अयस्क से हम धातु को प्राप्त करते हैं। पृथ्वी से जो खनिज अयस्कों में मिट्टी और रेत आदि अशुद्धियाँ पाई जाती हैं उनको गैंग बोलते हैं। तो खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि कई अशुद्धियाँ होती हैं तो उनको गैंग बोलते हैं। तो इन अशुद्धियों को हटा निष्कर्षण से पहले इन अशुद्धियों को हटाना जरूरी है। तो अयस्कों से गैंग को, अशुद्धियों को हटाने से पहले जिन प्रक्रियाओं को प्रयोग में लाया जाता है वह अयस्क एवं गैंग के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होती हैं। तो इस पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीक हम उपयोग में लेके आते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाए। अब सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं के बारे में आपको पता है कि ये धातुएं जो होती है वो कम अभिक्रियाशील होती हैं, तो कम अभिक्रियाशील होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो इनके सल्फाइड अयस्क के रूप में ये पाई जाती हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे उदाहरण दिया गया है सिनेबार का, जिसका उदाहरण, जिसका रासायनिक सूत्र होता है HgS। जो सिनेबार होता है वो मरकरी का एक अयस्क होता है, मरकरी को पारद भी बोलते हैं, पारा भी बोलते हैं। तो सिनेबार को वायु में गर्म करने पर, करने से पहले हम क्या करते हैं कि इस सिनेबार को, यहाँ पर देखिए ये सिनेबार है, इसको वायु की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो ये HgO में परिवर्तित हो जाता है, यानी इसके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और जब ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो ये शुद्ध लिक्विड अवस्था में हमें HG प्राप्त होती हैं। तो गर्म करने पे क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलने की प्रक्रिया को पचयन बोलते हैं।
ये आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम अपचयन बोलते हैं। तो जब HG के ऑक्साइड को HGO को गर्म किया जाता है तो गलित अवस्था में, ये देखिए इस ब्रैकेट में लिक्विड लिखा हुआ है, यानी गलित अवस्था में हमें, गलित अवस्था मतलब द्रव अवस्था में हमें मरकरी प्राप्त होती है। और हमें ये भी पता है कि मरकरी कमरे के तापमान पर गलित अवस्था में होती है। तो एक बार फिर से देखते हैं, ये हमारा HGS है, मरकरी का सल्फाइड है, उसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वो इसके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ये मरकरी ऑक्साइड है, और इस प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये HGO होता है, ये सॉलिड अवस्था में प्राप्त होता है हमें। तो HGO को जब वापस गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है, जिसको अपचयन बोलते हैं, इस प्रक्रिया को अपचयन बोलते हैं। और इस अवस्था में हमें HG होती है वो लिक्विड स्टेट में यानी कि द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने HGS से इसका जो HG है वो निकाला। इसी प्रकार से हम कॉपर ऑक्साइड की बात करते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड को सबसे पहले वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे ये इसके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और ऑक्साइड को जब वापस CuS से क्रिया कर लेता है, और उस प्रक्रिया में ये 6 Cu फिर से इसका अपचयन हो जाता है, यानी ऑक्सीजन इसमें से बाहर निकल जाती है और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो यहाँ पर भी हमें कॉपर धातु प्राप्त होती है। अब सक्रियता श्रेणी में बीच में आने वाले धातुओं की बात करते हैं कि ये कैसे निष्कर्षित की जाए। तो ये जो धातुएं होती हैं जो सक्रियता श्रेणी में बीच में आती हैं, जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, इनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है, और ये प्रकृति में इनके सल्फाइड और कार्बोनेट के अयस्क के रूप में पाई जाती है, यानी इनके सल्फाइड पाए जाएंगे जैसे आयरन सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड। दूसरी ओर इनके कार्बोनेट के रूप में भी पाई जाती हैं। अगर सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं तो सल्फाइड की को अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। तो अधिक ताप पर गर्म करने पर क्या होता है, ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम भर्जन बोलते हैं। तो भर्जन क्या होता है, अधिक ताप पर वायु की उपस्थिति में, वायु फुल होनी चाहिए, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर सल्फाइड अयस्क क्या होते हैं, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को भर्जन बोलते हैं। जबकि कार्बोनेट अयस्क अगर है तो उसको सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो भर्जन और निस्तापन में मुख्य अंतर वायु की उपस्थिति का ही है। भर्जन में तो वायु फुल चाहिए और निस्तापन में सीमित वायु चाहिए, बाकी दोनों में उच्च ताप की आवश्यकता होती है। जबकि सल्फाइड अयस्क को में तो भर्जन किया जाता है और कार्बोनेट अयस्क में निस्तापन किया जाता है। ये देखिए भर्जन प्रक्रिया में वायु की उपस्थिति में जिंक सल्फाइड हमने लिया तो ये इसके ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। फिर जिंक ऑक्साइड जो है उसको कार्बन की सहायता से, क्योंकि कार्बन धातु क्या होती है, इस ऑक्साइड को बाहर निकाल देती है, यानी इसका अपचयन कर देती है। जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को बाहर निकालने के कारण कार्बन इसका अपचयन कर देती है और हमें जिंक धातु प्राप्त होती है। जबकि निस्तापन में जिंक कार्बोनेट को सीमित वायु में गर्म किया जाता है तो ये जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। फिर जिंक ऑक्साइड को फिर से कार्बन के साथ अपचयन किया जाता है तो ये धातु हमें प्राप्त होती है। कार्बन जो होता है, जिसको कोयला, जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, इसका उपयोग करके हम धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयित करने के अलावा एक और प्रक्रिया है कि कार्बन का उपयोग नहीं करके हम विस्थापन प्रक्रिया का उपयोग भी कर सकते हैं। यानी जो जिंक ऑक्साइड होता है वह उसको अगर हम अधिक अभिक्रियाशील धातुएं, जैसे जिंक से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं कौन सी होती हैं, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को अपचायक के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशील वाली धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम है, या मैग्नीज से ज़्यादा
एल्यूमिनियम अधिक अभिक्रियाशील होती है, तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पे यौगिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीज का यौगिक है मैग्नीज ऑक्साइड, इसमें से मैग्नीज को बाहर निकाल देता है ये देखिए, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, यानी एल्यूमिनियम ने मैग्नीज को बाहर निकाल दिया। इस प्रक्रिया में ऊष्मा भी निकलती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें से बाहर निकल रही है, तो आप मैग्नीज का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि मैग्नीज में से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, तो मैग्नीज का तो ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है, और एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसका अपचयन हो रहा है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त हो रही है, तो मैग्नीज का तो अपचयन हो रहा है और एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है जिसके कारण मैग्नीज क्या हमें लिक्विड स्टेट में द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। अब इसी प्रकार से पटरियों पे आयरन को जोड़ने के लिए भी हम इस प्रक्रिया का उपयोग में लेते हैं। देखिए इस प्रकार यहाँ पे हमें आयरन का ऑक्साइड मिलता है Fe2O3, वो सॉलिड अवस्था में मिलता है। जब इसमें एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये एल्यूमिनियम क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन को हटा देता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, तो एल्यूमिनियम का तो ऑक्सीकरण हो गया, और यहाँ पे आयरन में से लिक्विड स्टेट में आयरन हमें प्राप्त होता है, और इस प्रक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होती है। इस ऊष्मा के कारण ही जो आयरन होता है वो लिक्विड अवस्था में हमें प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं। थर्मिट अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, जबकि ऊष्मा जो निर्मुक्त होते हैं उसके कारण जो आयरन होता है वो हमें लिक्विड अवस्था में प्राप्त होता है, और दो आयरन की पटरियों में आयरन को जोड़ने में उपयोगी होता है। अब सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर वाली धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाए, तो कार्बन जो होता है उसकी सहायता से हम इसके ऑक्साइड को अपचयित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के प्रति बंधुता कार्बन की अपेक्षा अधिक होती है, तो सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम एल्यूमिनियम ये सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है, इनके ऑक्सीजन की प्रति बंधुता, ऑक्सीजन के इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं, कार्बन इनमें से ऑक्सीजन को बाहर नहीं निकाल सकता, इसलिए कार्बन के द्वारा इनका ऑक्साइडों का अपचयन हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको विद्युत अपघटन विधि द्वारा अपचयित किया जाता है। विद्युत अपघटन विधि में क्या करते हैं, हम दो एनोड और कैथोड बनाते हैं, एनोड और कैथोड बनाते हैं, और इसको गलित अवस्था में जिसको भी हमें अलग करना है उसको इस टब के अंदर रख देते हैं, और विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। तो NaCl में हम जानते हैं दो आयन होते हैं, एक तो सोडियम आयन होता है और एक क्लोरीन आयन होता है, ये धन आयन है और ये ऋण आयन है। सोडियम आयन तो कैथोड की तरफ जाता है, और क्लोरीन आयन क्योंकि विपरीत आवेश है, क्लोरीन आयन धन आवेशित एनोड की तरफ जाता है, तो यह यहाँ से क्या करता है, सोडियम जब कैथोड की तरफ जा रहा है तो सोडियम क्योंकि धन आयन है तो एनोड की तरफ जाएगा, और एनोड की तरफ जाएगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम में परिवर्तित हो जाएगा, और क्लोरीन जो है वो जब क्लोरीन क्योंकि ऋण आवेशित है तो ये एनोड की तरफ जाएगा और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और क्लोरीन में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से हम विद्युत अपघटन की प्रकृति इसकी विधि की सहायता से हम इसको शुद्ध कर सकते हैं। तो जो अत्यंत अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उनको विद्युत अपघटन विधि की सहायता से, और ध्यान रखें इनकी गलित अवस्था में होनी चाहिए, गलित अवस्था में ही विद्युत अपघटन किया जाता है। अब हम धातुओं को पूर्ण तरीके से शुद्ध अभी तक हम नहीं कर पाए हैं, तो धातुओं का परिष्करण करने के लिए हम विद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग किया जाता है। कॉपर जिंक टिन
निकल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। तो अशुद्ध धातु को तो एनोड बनाया जाता है और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है, और धातु के लवणीय विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है, और इस प्रकार से उपकरण व्यवस्थित किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, हम इसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। कॉपर सल्फेट एक लवणीय विलयन है धातु का। तो हमने यहाँ पे कैथोड में हमने शुद्ध धातु को ले लिया और एनोड में अशुद्ध धातु को ले लिया। तो यहाँ से क्या होती है, जो अशुद्ध धातु होती है वो विलयन में घुल जाती है, और शुद्ध धातु जो कैथोड होती है उस पे जमा होती रहती है। तो इस प्रकार से जो अशुद्धियाँ होती है वो नीचे जमा हो जाती हैं, और इन अशुद्धियों को एनोड पंक बोला जाता है। और शुद्ध धातु जो होती है, शुद्ध धातु यहाँ से इस कैथोड पे जमा होती रहती है, और एनोड से अशुद्ध धातु इस विलयन में घुलती रहती है। ये देखिए यहाँ पे कॉपर कॉपर का जो धातु है वो इस कैथोड पे जमा हो रही है। तो इस प्रकार से इसका शुद्धिकरण किया जाता है। अगले वीडियो में हम संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।